हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज खेल न चले, जहां मिलती हैं आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी और फुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी के बारे में। सो, इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी और फुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी की बात करें तो इनके फाउंडर हैं प्रकाश पादुकोण, जो हैं वो फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर हैं, जो कि प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी के फाउंडर हैं। और ये अर्जुन अवार्डी भी हैं और इन्होंने 1994 को इसका फॉर्मेशन किया था। और ये एक खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमी भी है। फुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी की बात करें तो फुलेला गोपीचंद, जो कि एक फॉर्मर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर थे, उन्होंने इसकी फॉर्मेशन किया। और ये चीफ नेशनल कोच भी हैं इंडियन बैडमिंटन टीम के। ये पद्म भूषण, द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्डी भी है और इन्होंने इसका फॉर्मेशन 2008 में किया था। और ये भी एक खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमी है। दोस्तों, ये प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी के ट्रेनिंग्स की बात करें तो वहाँ पर पहले ही जब फुलेला गोपीचंद जब खेलते थे तो फुलेला गोपीचंद भी उनके ट्रेनी थे, तो उन्हीं की एकेडमी में वो प्रैक्टिस करते थे। और काफ़ी जो प्लेयर्स का मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, लक्ष्य सेन, राहुल, ये जो हैं ये सारे नेशनल और इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं, जिन्होंने उस लेवल तक खेल रखा है। और ये सारे ट्रेनिंग हैं प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी की। सो आप ये देख सकते हैं उन सबके नाम। और आगे बढ़ते हैं, फुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें ये सारे प्लेयर्स हैं, ये भी वही प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। इसमें हैं सानिया नेहवाल, पीवी सिंधु और अनेकों प्लेयर्स हैं जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स स्टेज पे, यानी कि इस लेवल पे पार्टिसिपेट किया है। तो आप इनके नाम देख सकते हैं। दोस्तों, अभी हम प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी के जो सेंटर्स हैं उनकी बात करें और फुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी उनके सेंटर की बात करें। सो प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी दो जगह हैं, एक है बैंगलोर और एक मुंबई में। बैंगलोर में उनका मेन सेंटर है, जबकि मुंबई में भी एक सेंटर है जहाँ जो कि एक फीडर सिस्टम का काम करता है, यानी कि बच्चे वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर ट्रेन होते हैं। और अगर कोई अच्छा बच्चा वहाँ से निकलता है वो डायरेक्टली बैंगलोर को शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ पर वो फर्दर नर्चर करते हैं और उसे आगे जो कंपटीशन है उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। वहीं फुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी की बात करें तो उनकी 5 एकेडमी हैं, एक हैदराबाद जो कि मेन है, नोएडा में है जो कि फर्स्ट HPC यानी कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, सेलम तमिलनाडु, ग्वालियर MP और वडोदरा गुजरात के अंदर। ये 5 एकेडमी हैं जो फुलेला गोपीचंद बैडमिंटन की एकेडमी के सेंटर्स हैं। दोस्तों, अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो प्रकाश पादुकोण एकेडमी में अंडर 15 गर्ल्स के लिए, प्रिफरेबली अंडर 13 गर्ल्स के लिए मेरिट बेसिस में स्कॉलरशिप दी जाती है, 12 महीने के लिए दी जाती है। उसमें उनका खाना पीना रहना और उनको स्टाइपेंड मिलता है हर महीने, और उनका परफॉर्मेंस हर साल चेक किया जाता है। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उनकी स्कॉलरशिप हर साल बढ़ा दी जाती है। और ये मैक्सिमम एक साल में 10 लोगों को दी जाती है ये स्कॉलरशिप। और दोस्तों, ये स्कॉलरशिप जनरली गर्ल्स के लिए है, लेकिन अगर कोई बॉय अच्छा खेलता है तो उसको भी कंसीडर किया जाता है एक्सेप्शनल केसेस में। वहीं फुलेला चंद बैडमिंटन एकेडमी की बात करें तो यहाँ पर एज सच एक जो एकेडमी है जो कि नोएडा में है, वहाँ पर एक स्कॉलरशिप चलती है जो है लेट श्री रघुनंदा पांडे मेमोरियल स्कॉलरशिप, जो कि अभी एक बच्चे को, यानी कि शंकर सारस्वत को, अंडर 13 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उस कैटेगरी में उनको अभी स्कॉलरशिप दी जा रही है, लेकिन अभी एक ही बच्चे को दी जा रही है। दोस्तों, अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो दोनों एकेडमी में आपकी फ्लोरिंग कोर्ट हो रखा है, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बैडमिंटन जो कोर्ट होते हैं वो वुडन के होते हैं, वुडन फ्लोरिंग होती है, वो सीमेंटेड नहीं होती है। तो दोनों में वुडन फ्लोरिंग है, दोनों में आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अगर कोई बच्चे को रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर मिलता है। दोनों में डाइट और फूड प्रोग्राम होता है, अगर किसी बच्चे को अपनी डाइट प्लान बनवाना है तो वहाँ पर वो प्रोग्राम बना कर देते हैं। दोनों में ही हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं और दोनों में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी है, दोनों सेंटर ही फुल्ली इक्विप्ड हैं।
और आप किसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल दो दोस्तों प्रकाश पादुकोण की एक प्रकाश पादुकोण और ड्रेविड एकेडमी भी है, जो हमारे इंडियन क्रिकेट फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है उनकी भी एकेडमी है, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वो है प्रकाश पादुकोण और ड्रेविड की एक सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एक एकेडमी है, उसके बारे में हम आपको आगे दूसरी वीडियो में बताएंगे। वो भी प्रकाश पादुकोण की है, वो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए सो दैट सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों अगर आप लोगों को स्पोर्ट्स न्यूज़ लिखने में और कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट है तो आप हमारी वेबसाइट में आकर लॉगिन करके स्पोर्ट्स न्यूज़ सबमिट कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो न्यूज़ है वो हर कोई पढ़ सकेगा। आपको करना ये है, आप हमारी वेबसाइट में आइए, सबमिट न्यूज़ में क्लिक कीजिए और वहाँ पे अपने न्यूज़ जो है जिस स्पोर्ट्स की आपको करनी है उस स्पोर्ट्स की करके आप उसे सबमिट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो हमारी वेबसाइट में आ जाएगी और हर कोई उसे पढ़ सकेगा। धन्यवाद।